की बौछारें शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं किसानों पर पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। इस समय आप देख सकते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के जो प्रधान थे, जिनकी गाड़ी से अनाउंसमेंट हो रही थी, उस गाड़ी को भी पुलिस इस समय अपने कब्जे में लेकर जाती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गाड़ी को भी पुलिस द्वारा इस समय अपने कब्जे में लिया जा रहा है और इसके बाद इसको लेकर जाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। आखिरकार 6 से 6.5 घंटे बाद पुलिस ने हाईवे पर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि 6 घंटे बाद किसानों ने जो हाईवे पर जाम किया हुआ था, पुलिस प्रशासन ने आखिरकार दल प्रयोग करके उस हाईवे पर लगे जाम को खुलवा लिया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा सकती थी और हाईवे पर लगा जाम आखिरकार 6 साढ़े 6 घंटे बाद खुलवा लिया गया। बल प्रयोग पुलिस प्रशासन को जरूर करना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और सामने आप देख सकते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की इस समय गाड़ी को भी अपने कब्जे में लेकर जाया जा रहा है और पुलिस फोर्स पूरी तरह से यहां पर तैनात है। आप देख सकते हैं क्योंकि दोबारा से किसान यहां पर ना आ जाए, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन दोबारा से यहाँ पर तैनात होता हुआ। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, जो IG हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और SP कुरुक्षेत्रा आप देख सकते हैं, क्योंकि हाईवे पर लगा जाम आखिरकार खुलवा लिया गया है। हाईवे पर लगा जाम आखिरकार खुलवा लिया गया, आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश थे, हाई कोर्ट के सख्त आदेश थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आखिरकार हाईवे पर लगा जो जाम था उसको खुलवा लिया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। IG जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, तमाम SP मौके पर मौजूद हैं, DSP यहाँ पर मौके पर मौजूद है और अब आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ थी किसानों की उसको अपने कब्जे में लेकर यहाँ से लेकर जाया गया, कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद हाईवे पर यातायात जो है वो सुचारू तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जो तमाम गाड़ियाँ हैं उसको रवाना किया जा रहा है। 6 साढ़े 6 घंटे लग गए इस जाम को खुलवाने में, 6 साढ़े 6 घंटे लग गए इस जाम को खुलवाने के और तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। DC कुरुक्षेत्रा यहां पर मौके पर मौजूद हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हल्के दल प्रयोग के बाद, लाठी चार्ज के बाद, वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद हाईवे पर लगा जाम जो है खुलवा दिया गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन ये लाइव तस्वीरें जैसे देख सकते हैं। अब किसानों की जो गाड़ियाँ हैं उसको भी यहाँ पर पुलिस द्वारा कब्जे में लिया जा रहा है, जो व्हीकल्स यहाँ पर छोड़े गए हैं उनको कब्जे में लिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ट्रैफिक को भी सुचारू तरीके से आखिरकार 6 साढ़े 6 घंटे बाद चालू करवा दिया गया है, ऑन करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं GT रोड पर शाहबाद कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ था, उस हाईवे को जो है खुलवा दिया गया। आप देख सकते हैं किसान नेताओं पर बल प्रयोग जरूर करना पड़ा, किसानों पर बल प्रयोग जरूर करना पड़ा, जिसके बाद ही जो हाईवे पर लगा जाम था उसको आखिरकार खुलवा दिया गया। 6-7 घंटे से आप देख सकते हैं लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे थे, तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, IG रेंज यहाँ पर मौके पर मौजूद है, SP कुरुक्षेत्रा यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पुलिस की अभी भी यहाँ पर ड्यूटी जरूर लगाई जाएंगी ताकि दोबारा से किसान यहाँ पर ना आए। इस समय आप देख सकते हैं जो SP कुरुक्षेत्रा है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे, IG भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। SP कुरुक्षेत्रा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, 7 घंटे बाद आखिरकार जाम खुलवा दिया गया, पब्लिक को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जाम खुल चुका है? देखिए काफ़ी बार इनको जो है वार्निंग दी गई और माननीय हाईकोर्ट से भी आदेश आया था और तब भी इनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई, पूरा हाईकोर्ट का आदेश भी पढ़ के सुनाया गया और काफ़ी इनकन्वीनियंस जो है पब्लिक को, काफ़ी लोग इस ये NH 44 है, काफ़ी लोग हॉस्पिटल इसी रूट को यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट इसी रूट पे जाते हैं, पूरी पेशेंस रखते हुए और जो प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको खाली करवाया गया और अब सिचुएशन पीसफुल है, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं। देखिए वो क्योंकि अभी सारा हम रिकॉर्ड ले रहे हैं हॉस्पिटल से, जो चोट लगी है, जो भी उचित कार्रवाई बनती है, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, बिल्कुल जो कार्रवाई कानूनी बनती है वो की जाएगी, मामला दर्ज कर रखा है, अभी केस दर्ज किया है, कुछ लोगों को डिटेन किया है, अभी उनसे पूछताछ करके फैक्ट्स वेरीफाई करके और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चढ़ूनी भी हिरासत में लिए गए हैं? हाँ, गुरनाम चढ़ूनी भी हिरासत में लिए हैं और भी कुछ नेता हैं वो भी हिरासत में लिए, बिल्कुल पत्थरबाजी मामूली की गई है,
तो जो एक्शन बनता है वो किया जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पत्थरबाजी जरूर हुई है, लेकिन ये लाइव तस्वीर ऐसे में आप देख सकते हैं, जो मेन जीटी रोड पर लगा जाम था उसको आखिरकार खुलवा दिया गया, तो तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर जानकारी देना। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम पुलिस अधिकारियों की जो ड्यूटीज हैं वो अभी भी लगाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों से खुद जो आईजी रेंज है यहाँ के, वो भी यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो डीएसपी जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, और आखिरकार इस जाम को खुलवा दिया गया है। ट्रैफिक चल चुका है, आप देख सकते हैं 7 घंटे बाद इस ट्रैफिक को खुलवाया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे शाहबाद से देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, कुरुक्षेत्र।